दोस्तों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्यूपंक्चर हार्मोनल इम्बैलेंस में हेल्प करता है? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे फॉर ऑल टाइप ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर्स, लाइक इवन फॉर स्टार्ट फ्रॉम थायराइड टू ऑल द लेडीज प्रॉब्लम्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेडीज हार्मोनल यस प्रॉब्लम्स, तो बेसिकली वी विल सी नाउ दिस पीसीओएस इज वेरी कॉमन, यस थायराइड इज वेरी कॉमन, इट इज ऑल आई वुड से लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर सर। सो इसमें हमारे एक्यूपंक्चर से अभी तक खुद हमने हमारे सेंटर सेनमेंट पे या उससे पहले जब भी हमने एक्यूपंक्चर स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे केसेस में वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। लॉट्स ऑफ केसेस लाइक पीसीओएस क्लीन, मतलब पूरी तरह से। एक बार आप रिपोर्ट निकाल के आते हैं, दूसरी बार फिर जब भी आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं, दिस इज गॉन फ्रॉम देयर। एंड व्हाट एवर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑल दिस इवन फ्रॉम द मेडिकेशंस और द साइड इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंडल्ज इन द बॉडी, उसके भी हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और थायराइड में हमने अभी तक बहुत सारे केसेस को ठीक किया हुआ है, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या फिर उसकी वजह से जो जनरल फटीग है या फिर ड्यूरिंग द मेंसेस पेन एंड एक्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो वी आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट इन टू दैट। बहुत सारे अभी तो यंग एज के लड़कियों को या वीमेंस को या फिर अनमैरिड गर्ल्स को, मैरिड इवन मैरिड गर्ल्स आफ्टर किड्स ऑल्सो दे आर सफरिंग लॉट्स ऑफ पेन एंड एक्स, सो वी आर गिविंग देम वेरी गुड रिजल्ट। सो आर देयर एनी मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड फॉर पीसीओडी ट्रीटमेंट? यस, कि ये चीज़ ऐसी है जो बहुत जल्दी से ठीक नहीं होती है। इट टेक्स लिटिल टाइम, सम टाइम इट वी टेक 20 सेशंस टू 3 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स। बहुत सारे ऐसे जो बहुत अगर क्रॉनिक केस है, बहुत सारी तकलीफ है, तो उसमें समय लगता है। उसके लिए मैं बहुत जल्दी से किसी को नहीं बोलता कि यू कम जस्ट एंड आई ट्रीट यू, आई कैन हेल्प यू इन 5 डेज और 10 डेज, बट इफ यू आर रियली आर लुकिंग फॉर प्रॉपर सोल्यूशन यू हैव टू गिव अस टाइम। आजकल कॉमन प्रॉब्लम है पिंपल, एक्ने एक्सेट्रा, और ड्रगलेस ट्रीटमेंट आई थिंक अभी सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो भी शेनमेन में ट्रीट हो सकता जी है? हाँ, फॉर पिंपल्स वी आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट। मतलब उसमें तो मैं यहाँ तक बोलता हूँ, नॉट ओनली पिंपल्स, रोजेसियस, एक्ने रोजेसियस, इसके अलावा जो है पिंपल्स और एक्नेस, जो बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी जो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, उनको हमारे यहाँ पे उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनको भी हार्मोनल जितने डिसऑर्डर्स हैं उसमें से खास करके यंग एज में पिंपल एक्नेस, और कभी कभी तो इवन नॉट ओनली यंग एज, आई वुड से 40 के एज में भी पिंपल्स और एक्नेस होते हैं लोगों को, उसमें हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।